नमस्कार, आज मैं गहलोत हेल्थ केयर कानपुर में डॉक्टर रेनू मैम के साथ हूँ। डॉक्टर रेनू सिंह गहलोत लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और आज हम मैम के पास आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कोरोना वायरस को लेकर लोगों के, तो एक बात बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि बहुत अच्छे से हाथ धोना चाहिए, बार बार हैंड्स को सैनिटाइज करना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या तरीका है, एक सही तरीका जिससे कि हमें पता चले कि हाँ, हमारा जो भी हम तरीका अपना रहे हैं हाथ धोने के लिए वो सही है। तो एक बार हम मैम से पूछते हैं कि मैम एग्जैक्टली वो सही तरीका क्या है, मैम हमें बताएंगी इसके लिए। मैम प्लीज। थैंक यू, आपने मुझे इस बात के लिए आज मोटिवेट किया कि मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअली हाथ धोने का सही तरीका क्या है। कभी सोच कर देखिएगा कि आप कितने सेकेंड्स में अपने हैंड्स वॉश करते हैं। कई एक सारे वीडियोस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जब आप नॉर्मल रूटीन में अपने हाथ धोते हैं तो 80% गंदगी, 80% कीटाणु आपके हाथ में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हाथ की रेखाओं में, नाखूनों के ऊपर, नाखूनों के नीचे, साथ में ये जो ग्रूव्स हैं, इनके अंदर सारी कीटाणु और जर्म्स इकट्ठे रहते हैं और हम जल्दी से ऐसे हाथ धोकर चले जाते हैं। तो आज कोरोना वायरस एक बहुत ही सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पूरी ह्यूमन रेस के ऊपर है, पूरी इंसान की पूरी रेस के ऊपर है, और जिसको काबू में रखना आज डॉक्टरों के लिए, रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज हमारे लिए ये है कि हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है कि अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप को जितना हो सके बाहर लोगों के कांटेक्ट में नहीं लाएं, क्योंकि ये पता करना मुश्किल है कि किस मरीज को, किस महिला को, किस पुरुष को अभी इस समय इन्फेक्शन है। हो सकता है उसको कोई सिम्टम ना हो और उसको इन्फेक्शन हो, और आप बाहर से आ रहे हैं तो अपने हाथों में वो इन्फेक्शन लेके आए, और घर में आपके बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे हैं, आप खुद हैं, और आप उस इन्फेक्शन को 10 से 15 दिन बाद फ्लेयर अप होके वो इन्फेक्शन सामने आएगा। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम इस बात पे डिसाइड करेंगे कि कैसे आपको अच्छे से हाथ धोना है। एंड आई विश कि ये प्रैक्टिस हम डेली रूटीन में अपने साथ रखेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, बुजुर्गों को भी सिखाएंगे, अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे। ये एक बहुत बेसिक प्रैक्टिस है जो सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं, हमारे देश में होने वाली डायरिया, टाइफाइड, गंदगी, उल्टी, इन सब से होने वाली सभी बीमारियों से हमको बचा सकती है। तो साबुन आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी साबुन हो सकता है, कोई भी साबुन की बट्टी हो सकती है, लिक्विड सोप हो सकता है, सोप हो सकता है, और ये तो सैनिटाइजर है जब आपके पास सोप अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज मैं बात करूंगी एक साबुन के लिए। तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि कोई भी सोप आपको जो लेना है, थोड़ा सा पानी दीजिएगा। अभी मैं एक साबुन की सिंपल बट्टी ले रही हूँ। कायदे से आपको जो है ये चलते हुए, बहते हुए पानी से हाथ धोना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि आप पानी का ज्यादा वेस्ट ना करें। हम इस समस्या से भी जूझ रहे हैं, आने वाले समय में गर्मियां आ रही हैं, सभी जगह पानी की समस्या होगी, तो थोड़ा सा पानी को भी हमें कफायत से ही यूज करना है। तो अच्छे से आपको लैदर बना लेना है। हर बात में हम 10 तक गिनती गिनेंगे। आपने जब एक लैदर अच्छे से बनाया है, थोड़ा सा और पानी दीजिएगा। इस लैदर को अब आपको अपनी हथेलियों को इस तरीके से रब करना है 10 तक गिनती गिनते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है अपने पाम के पीछे वाले हिस्से पे। आप और साबुन ले सकते हैं और अपनी उंगलियों को इस तरीके से आप इसको रब करेंगे। इस तरह से करने के बाद 10 तक आप यहाँ भी 8, 9, 10 इन उंगलियों के टिप्स पर, जिससे हम टच करते हैं हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट, इस तरीके से आप पाम भी क्लीन कर रहे हैं और अपनी उंगलियों को पोर पे भी क्लीन कर रहे हैं। 7, 8, 9 और 10। दूसरे हाथ के पोर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये नकल्स, इनमें भी बहुत गंदगी जमा होती है उंगलियों के पीछे नाखून पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पूरे हाथ को अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा सा इसमें आप पानी ले सकते हैं। अभी
अच्छे से लैदर बना के कोहनी को ऊपर से नीचे तक वॉश करेंगे और फिर फाइनल एक रब के बाद आप इसको वॉश करेंगे। आगे करिए थोड़ा सा। तो आपको कम से कम 25 से 30 सेकंड का समय लेना है एक बार अपने हैंड वॉश करने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि हम हर बार जब भी बाहर से अंदर आए, खाना खाने से पहले, शौच के बाद, हमेशा सभी इम्पॉर्टेंट कार्य से पहले, थैंक यू, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करें। अपनी एक क्लीन टॉवल रखें जिससे अपने हैंड्स को क्लीन करें और इस टॉवल को भी रोज वॉश करें। अब अगर किसी कारणवश आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपके पास सोप और वाटर नहीं है और आप जान रहे हैं कि आप इन्फेक्शन वाली जगह पर हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन होने का वो है, तो आप ऐसे केसेस में सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। 70% अल्कोहल वाले जो सैनिटाइज़र हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल सैनिटाइज़र की थोड़ी सी कमी है लेकिन फिर भी मार्केट में मिल रहे हैं सैनिटाइज़र, और इसमें आप एक या दो पफ सैनिटाइज़र्स को हाथ पे लेकर बिना साबुन पानी के अपने हाथ को सैनिटाइज करें और एयर ड्राई करें। आई थिंक ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सोसाइटी में जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।